हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं हिलसा, जिसे गुड़ और चावल के आटे से बनाया जाता है। तो उसकी रेसिपी स्टार्ट होती है ऐसे। पहले हमें गुड़ को पानी मिला के गर्म करना पड़ता है, उसके बाद आगे आगे आप प्रोसेस देखते चलो। उसके बाद गाइस इसमें उबाले आने लगेंगे जैसे आप देख रहे हो। तो गाइस अब इसमें हम लोग आटा देंगे, चावल वाला आटा जो एकदम वाइट वाइट है, मैदा जैसा। इसमें मैदा नहीं देना है आपको, देना है चावल का आटा। उसका जैसे मिलाते जाना है, कोई एक आदमी इसमें देगा और दूसरा आदमी मिलाना है, ऐसे ही जैसे हम लोग मिला रहे हैं अभी और से ही। तो इस रेसिपी के लिए आपको पहले कर देना है चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अभी देखो इसे हम लोग अच्छे से मिलाते हैं। तो ऐसे ही गाइस आपको मिलाते जाना है। इसमें थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ आएगी मिलाने समय, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, तो आपको प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे ही मिलाते जाना है अच्छे से हमारी तरह। उसके बाद गाइस इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए एक सेकंड में। तो गाइस इसका यही है फाइनल लुक जो आप देख सकते हो, अच्छे से आप लोग देख लो। उसके बाद गाइस आपको बनाने का इसमें एक ऑयल लेना है, वो भी रिफाइन ऑयल ले सकते हैं आप, देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रईस हैं तो प्योर देसी घी लें। तो गाइस आपको ऐसे ही ले लेना है, इसको ऐसे ऐसे बनाते जाना है उसका अच्छे से। तो गाइस इसका जैसे कंप्लीट करने का, इसे हमें फिर यहाँ रख देना है ऐसे, सब पीस में मिलाते जाना है इसी तरह। उसके बाद हमें इसे इसमें डालना है। तो गाइस अब हम लोग दे रहे हैं ऐसे, हम लोग गाइस अभी देते जाएंगे इसी तरीके से। हमको दे देना है आपके हिसाब से, जितने आपके कढ़ाई में स्पेस है उस हिसाब से आपको देते जाना। तो गाइस अभी ये अच्छे से बन चुका है, आप लोग देख सकते हो इसमें दरारें कितनी अच्छी लग रही है और खाने में एकदम टेस्टी। गाइस इसका शुगर भी हम लोग ने गुड़ हिसाब से दिया था तो और अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।